व्हाट्सअप कैसे आप सब उम्मीद है आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे और मेरा नया लोग आपको पसंद आया होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बहुत ही बढ़िया जो इवेंट चल रहे हैं हमारे तीन इवेंट से उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया आर्मी सिंगल आर्मी से आप पूरा इवेंट कम्प्लीट कर सकते हैं उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अभी जाके देखेगा ईजीली आप उस आर्मी से पूरे तीनों इवेंट्स एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं वो भी थ्री स्टार से चलिए गाइस अब आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये टी बैट स्ट्रैटजी इसको आप ये टी बॉम स्ट्रैटजी भी कह सकते हैं इसमें हम यूज़ करने वाले ये टीज बॉलर्स और बैट स्पेल्स हमारे तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ये एक बहुत ही एक्टिव चैनल है सो तो आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे ऑसम सम्रैटीज टिप्स एंड गाइड्स इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ और शॉर्ट वीडियोज़ वर्सेस बैटल्स मेरे प्लेलिस्ट में आप ये सब देख सकते हैं सारे वीडियोस अपलोड करता हूँ मैं और वो वॉर बेसिस विथ लिंक्स तो उम्मीद है आपको मेरा चैनल पसंद आएगा तो चलिए अब देख लेते हैं आज की आर्मी सो so सोगैज़ आज की आर्मी में हम यूज़ करने वाले सिक्स इटीज़ एट बोलर्स एक आइस कोलम एक हेड हंटर एक बेबी ड्रैगन फाइव व्हीलर्स टू व्हीजर्ड्स एक बलून एक सुपर वॉल ब्रेकर और दो आर्चर्स अगर आप सुपर वॉल ब्रेकर नहीं करना चाहते तो आप उसकी जगह नॉर्मल वॉल ब्रेकर्स भी ले सकते हैं चार और सी स्पेल्स में हमने लिए फाइव बैट स्पेल्स टू फ्री स्पेल टू रेज स्पेल और सीसी में टू फ्री स्पेल लॉक लॉन्चर और लॉक लॉन्चर के अंदर दो ए और चार बारबेरियन की बारबेरियंस सॉरी मैंने किंग कह दिया लेकिन बारब्रिय है तो चलिए अब अटैक का स्ट्रेटजी दिखा देता हूँ आपको कैसे अटैक करना है एक तरफ हम करेंगे वार्डन वॉक टाउन हॉल मेन प्रायोरिटी रहेगा हम पहले टाउन हॉल स्ट्राई करेंगे ताकि हमारे बैट्स इजीली अपना काम कर सके एक तरफ़ हम करेंगे वार्डन वॉक और दूसरी साइड हम करेंगे किंग को छोड़ेंगे सुपर वॉल ब्रेकर के साथ तो ये दोनों ट्रुप जो है वह हमारे फंड क्रिएट करेंगे और फिर हम डाल देंगे बाकी के सारे ट्रूप्स और लॉग लॉन्चर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वार्डन को है किंग से एकदम दूर छोड़ना है क्योंकि अगर वार्डन बार्बिन किंग जो है वो वार्डन की रेंज में आ गया तो वार्डन उसकी हेल्प करने चला जाएगा और अपना जो फंडल का टास्क है वो वार्डन पूरा नहीं कर पाएगा यहाँ पर देखिए सुपर वार्डेकर इतना परफेक्टली आपको छोड़ना है कि बार्बिन किंग जो है वो अंदर जाए और साइड में विजर्ट जो है वो वाकई का फंडलिंग का काम कर दे और बेबी ड्रैगन को आप कहीं भी यूज़ कर सकते अगर आपको ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर देखिए वार्डन और बार्बिनिंग जो है एक दूसरे से दूर है उसकी रेंज में नहीं है इसलिए वार्डन अपना काम कर रहा है फनल फनल क्रिएट करने का और अब हम डाल देंगे आइस गोलम और उसके पीछे लॉग लॉन्चर जैसे ही लॉग लॉन्चर वॉल्स तोड़ दे तो हम डाल देंगे सारे ए टीज बोलर्स सारे हीरोज़ और ये याद रखना स्टार्टिंग में रेज यूज़ कर लेना है आपको सारे तो ए टीज तो हमारे बहुत ही फास्ट टैग करेंगे और टार्मल डिस्ट्रॉय हो जाए फिर हम हमारे बैट्स पहले इजीली यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आप देखिए अब वार्डन की रेंज में ये लोग आ गए तो वार्डन यहाँ पर हेल्प करने के लिए आ गए लेकिन हमारा जो फर्नलिन का काम है वो पूरा हो चुका था इसलिए अब वार्डन का आना ज़रूरी था इसलिए वार्डन आ चुका है और ये देखिए लॉ लॉन्चर के एटीज और बाब्रेन निकल चुके और सीसी में जो है वो बैंक्स बलून्स निकले तो आप देख सकते हैं सीसी भी है यहाँ पर तो अब हम शुरू कर देंगे हमारे बैट स्पेल्स डायरेक्टली विजाट टावर के ऊपर छोड़ दिए मैंने फ्री स्पेल के साथ फ्री स्पेल आपको एकदम परफेक्टली यूज़ करना है वीजाट टावर्स के ऊपर और अगर मल्टी इनफन तो मल्टी इनफनों के ऊपर ताकि हमारे बैट डिस्ट्रॉय ना हो और हमारा अटैक जो है वो इजीली थ्री स्टार हो जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे वीजा टावर डाउन हो चुके हैं और हमारे पास फीस स्पेल भी नहीं बचे तो अब इजीली ये अटैक हमारा इजीली थ्री स्टार हो जाएगा गाइस वीडियो को एंड तक देखेगा पूरा पूरा अटैक करके दिखाऊंगा मैं आपको चार पाँच बेसिस के ऊपर तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कैसे यूज़ करना है आर्मी इसे फ्रेंडली चैलेंजेस से प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया काम में आएगी सी डब्ल्यू एल वॉर्स और ऐसे नॉर्मल अटैक्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसे लगते हैं आपके व्यूज़ मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं गाइस चलिए गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अटैक की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं सीसी दो एटीज और फोर बाबरियंस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अटैक की तरफ गाइस यहाँ पर देखिए एक्सपो ट्रैप है तो हम उस तरफ से अटैक नहीं करेंगे आपको पता होगा पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी ट्रैप बेस हो तो हमें ट्रैप की साइड से अटैक नहीं करना है ट्रैप की उल्टी साइड से अटैक करना है हमेशा तो हम यहाँ पर इस तरफ से अटैक नहीं करेंगे हम अटैक करेंगे टाउन हॉल साइड से जहाँ पर एक इन्फर्नो टावर भी है तो चलिए हम फनल क्रिएट करते हैं पहले यहाँ पर हम डाल देंगे वार्डन और उसके साथ हीलर्स और दूसरी साइड पर डाल देंगे बार्बिन किंग के साथ सुपर वॉल ब्रेकर विजार्ड्स और बेबी ड्रैगन जो है वो फनल के लिए है ताकि आपके वार्डन और बार्बिन किंग भटके नहीं इसलिए आपको उन्हें स्मार्टली यूज़ करना है जैसे आप चाहे कहाँ पर उनका यूज़ होगा वैसे फिर हम लॉक लॉन्चर का पास क्रिएट कर देंगे यहाँ पर चलिए देखते हैं अब कैसे अटैक करेंगे हम यहाँ पर पहले बलून छोड़ दिया है मैंने और फिर हीलर्स और वार्डन छोड़ दिया है तो और दूसरी तरफ छोड़ दिया है बार्बिन किंग और उसके साथ विजर्ट्स और देखिए तुरंत ही सुपर विजर्ट छोड़ दिया है तो अब बार्बिन किंग जो है वो हमारा सीधा अंदर जा चुका है और उसके ऑपोजिट साइड जगह बची थी तो वहाँ पर मैंने बेबी ड्रैगन छोड़ दिया ऐसे ही आपको यूज़ करना है बेस के हिसाब से ये ट्रूप्स का फनल क्रिएट करने के लिए और अब जैसे ही देखिए कितना बढ़िया फनल क्रिएट हो चुका है तो हम डाल देंगे आइस गोलम और उसके पीछे डाल देंगे लॉन्ग लॉन्चर जैसे ही लॉन्ग लॉन्चर वॉल्स तोड़ तोड़ने लगे हम डाल देंगे सारे ए बॉलर्स आर्चर क्वीन और फिर तुरंत ही आपको स्टार्टिंग में रेंज यूज कर लेना है ताकि आपके जो ए टीज है वो ओवर पावर हो जाए और सीधा जाके टाउन डिस्ट्रॉय कर जाए जिससे कि हमारे बैट सेफ रहे तो अब देखिए यहाँ पर मैं डाल दूंगा रेज स्पेल देखिए कितना शानदार तरीके से टाउन हॉल डिस्ट्रॉय हो चुका है यहाँ पर वार्डन एबिलिटी भी, भी हमने परफेक्ट टाइम पर यूज़ कर लिए सो अब हमें कोई टेंशन नहीं है हम डाल देंगे हमारे बैट्स देखिए सीधा विजा टावर के ऊपर डाल दिया है मैंने और उसके साथ फ्रीज भी यूज़ कर लिया है मल्टी इन्फर्नो भी था साथ में तो दोनों एक साथ डाउन हो गए अब देखिए कितना बढ़िया ट्रैप भी डिस्ट्रॉय हो चुका है हमारा अब यहाँ पर देखिए दो स्वैग स्पेल बचे फ्रीज के ऐसे ही यूज़ कर लूंगा मैं अब वीजा टावर तो एक भी नहीं बचा है और ना ही मल्टी फनों बचा है तो देखिए कितना इजीली हमने ये ट्रैप बेस को थ्री स्टार कर लिया है यहाँ पर ये यह याद रखना है अगर आपको कोई ट्रैप बेस दिख रहा हो तो आपको हमेशा उस तरफ नहीं अटैक करना है अपोजिट साइड से अटैक करना है कई कर तरह के ट्रैप बेस होते हैं एक एक्सपो ट्रैप बेस होता है विजा टावर ट्रैप बेस होता है आर्चर टावर ट्रैप बेस होता है तो ये सब में आपको अपोजिट डिरेक्शन से अटैक करते आना है तो देख सकते हैं आप कितना इजीली है थ्री स्टार होने वाला है हमारा तो गायज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे ऑसम वीडियोस ऑसम स्ट्रेटजीज। चलिए इसी के साथ बढ़ते और एक अटैक की तरफ यहाँ पर देखिए ये कॉम्पैक्ट बेस है लेकिन यहाँ पर दो मल्टी इन्फर्नोज है तो हम इस साइड से वार्डन वॉक शुरू करेंगे और उस तरफ डाल देंगे किंग, वार्डन और हीलर डालने के पहले आपको याद से बलून डाल देना है कर, ताकि अगर कोई स्निकिंग एयरमाइन हो तो बलून डिटेक्ट कर ले और आपके हीलर सेफ़ रहे अब देखें यहाँ पर किंग भटक चुका है इसलिए सुपर वॉल ब्रेकर भी मैंने यूज़ कर लिया है जल्दी से लेकिन किंग जो है वो भटक चुका है जल्दी देखते हैं हमारा थ्री स्टार हो पाता है या नहीं अगर आपने वॉल ब्रेकर जो सही टाइम पे यूज़ नहीं किया और आपका बार्बिन किंग वार्डन की रेंज में आ गया तो आपका अटैक भी फेल हो सकता है उसकी वजह से क्योंकि आपका वार्डन भटक जाएगा और वो फंडन नहीं क्रिएट कर पाएगा तो चलिए अब यहाँ पर हम डाल देंगे आइस गोलम लॉक लॉन्चर और सारे ट्रूप्स और जैसे ही वो लोग अंदर जाने लगे हम डाल देंगे रेज फंडन हो चुका था क्रिएट तो मैंने सारे ट्रूप्स डाल दिए अब वार्डन भी हेल्प के लिए आ चुका है आगे तो देखिए रेज से कितना फ़ायदा होता है इजीली ये लोग सीधा अंदर जाके टाउन हॉल डिस्ट्रॉय कराए देख देख सकते हैं आप टाउन हॉल कितना सेंटर में था लेकिन फिर भी इजीली डिस्ट्रॉय हो चुका है सो अब हम शुरू कर देंगे हमारे बैट पैल्स डाल दिए मैंने बैट्स दूसरी साइड पे तो विजाट टावर आने के तक हमें फ्रीज के लिए वेट करना है क्योंकि फ्रीज वेस्ट भी नहीं कर सकते विजाट टावर से हमेशा प्रोटेक्शन चाहिए होता है बैट्स को और मल्टी फन तो हमारे एडीज ने डिस्ट्रॉय कर दिया इसलिए बैट्स को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा तो अब देखिए सिर्फ एक लास्ट विजर टावर बचा है तो हमारे बैट्स उसके पास पहुंच चुके हैं तो इजीली वो भी डाउन हो जाएगा तो देख सकते हैं आप सारे डिफेंसिस इस इसी के साथ डाउन हो चुके हैं सो तो कितना इजीली हमारी आर्मी ने थ्री स्टार कर दिया ये बेस भी सो गाइस कीप वॉचिंग माई वीडियो कीप सपोर्टिंग मी अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा गाइस ऑसम स्ट्रेटजी गाइस इसी के साथ हमारा और एक अटैक जो है वो थ्री स्टार की तरफ बढ़ रहा है और अब इसी के साथ हमने थ्री स्टार कर लिया है यूजिंग द एटी टी बैट्स आर्मी एटी टी बॉम्ब भी कह सकते ये टी हमारा मेन है इसमें चलिए अब दूसरी अटैक देख लेते यहाँ पर भी देखिए वार्डन वॉक शुरू कर दिया है मैंने पहले बलून डाला है फिर वार्डन और दूसरी साइड डाल दिए विजार्ड्स ताकि वार्डन इस तरफ ना आए देख सकते आप वार्डन उस तरफ मुड़ चुका है और अब यहाँ पर बार्बिन किंग के साथ बेबी ड्रैगन डाल लिया है और फिर अब देखिए सुपर वॉल ब्रेकर भी छोड़ दिया है मैंने और दूसरी साइड आर्चर छोड़ दिए देख सकते हैं आप कितना बढ़िया बारबिन किंग अंदर पहुँच चुका है हमारा यही करना है आपको बारबिन किंग को अंदर पहुँचाना है फनल क्रिएट करके आजू बाजू और वॉल ब्रेकर यूज़ करके अगर आपके पास सुपर वॉल ब्रेकर ना हो तो वो देख सकते हैं आप बार्बिन किंग एक्सपो भी डाउन कर देगा यहाँ पर सब फनल क्रिएट हो चुका है तो हम डाल देंगे आइस गोलम लॉक लॉन्चर और जैसे ही वॉल्स टूटने लगे हम डाल देंगे सारे एटीज अभी सिर्फ एक ही छोड़ा है मैंने वॉल्स टूटने का वेट कर रहा हूँ तो देखिए वॉल्स टूट चुकी है तो अब डाल देंगे सारे एटीज़ बॉलर्स आर्चर क्वीन और फीस तुरंत ये रेंज यूज कर लेना है यहाँ पर जो हमारा वार्डन सर भटक चुके हैं उस तरफ जा चुके और अब वो इस तरफ आने वाले नहीं है तो हमारे ट्रूप्स अपने बलबूते पर है गीगा बॉम्ब से भी उन्हें अपने आप ही लड़ना पड़ेगा देख सकते हैं आप वार्डन एबिलिटी हम यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो लोग वार्डन की रेंज में है ही नहीं चले देखते हैं अटैक थ्री स्टार हो पाता है या नहीं टाउन हॉल और इंफर्ना टावर्स तो हमारे ट्रूप डैमेज डाउन कर ही चुके हैं तो अब हम बैट शुरू कर देंगे डायरेक्ट विजार्ड टावर के ऊपर तो अब एक विजा टावर बचा है हमारे पास एक फ्री स्पेल भी बचा है तो इजीली अटैक भी हो जाएगा एक थ्री स्टार अटैक वार्डन की एबिलिटी अभी भी बची हुई थी तो मैंने यूज़ कर लिया ऐसे ही यहाँ पर हमारा वार्डन दूसरी साइड झुक गया इसलिए हमारे ट्रूप नहीं बच पाए गीगा इन फनों की वजह से लेकिन कोई बात नहीं फिर भी हमने थ्री स्टार करना मैनेज कर लिया है आपको तो यही ध्यान रखना है कि वार्डन और बार्जनिंग भटकने नहीं चाहिए और एक दूसरे से टकराने नहीं चाहिए तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा गाइस कैसा लग रहा है आपको मेरे वीडियोस और आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं और वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा तो अब मैं मिलूँगा अगले वीडियो में एक और अटैक हमारे यहाँ पर थ्री स्टार होता हुआ तो चलिए मिलते हैं गाइज़ अगले वीडियो में बाई बाई स्ट्रेट यून फॉर माई न्यू वीडियो